आपका स्वागत है। इस बार भी हम आपको बहुत सारे बजट अमेजिंग अमेजिंग वॉचेस दिखाने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वॉच आ गया हमारे पास, में सीधा बवाल करने वाले हैं। ब्रांड का नाम है भाई टाइटन। यस, पूरा कार्बन फाइबर जैसा इसका फिनिशिंग होता है बॉक्स का। फ्रेंड, में आपको टाइटन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी रेड रेड के ऊपर में। एंड ओह माय गॉड, अंदर में आपको पूरे कागजात देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली आपको पता है कि सर्विस से लेकर पैकेजिंग से लेकर हर जगह आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस ब्रांड के साथ में। लेकिन वॉच कैसा है वो भी तो देखना जरूरी है जी। जस्ट लुक एट दिस। इस बार के जितने भी वॉचेस है ना, वो आपको बहुत ज्यादा सिंपल क्लीन लुक के साथ देखने को मिलेंगे। तो खरीदने में ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बहुत खूबसूरत क्लीन मिनिमल वॉच है जो की आता है टाइटन के तरफ से। डुअल टोन में आपको इसका स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेदर है अंदर में, आपको टाइटन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है जेन्युइन लेदर। ये हर स्ट्रैप में ना लिखने की परंपरा बन गई है। बगल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगेन उस पे भी आपको टाइटन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अगर मेनली इसके केस की बात करें, पूरा स्टेनलेस स्टील का ग्लॉसी केस आपको देखने को मिलने वाला है। स्टेनलेस स्टील का आपको बैग देखने को मिल जाएगा। टाइटन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। 50 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट है। क्राउन आपको बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा देखने को मिलता है जिसके ऊपर आपको टाइटन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर इसके डाइल को देखोगे ना, वन ऑफ द क्लीनेस्ट डाइल आप इसे बोल सकते हो। व्हाइट का पूरा काम क्या गया है। हालांकि आवर मार्कर्स जितने भी हैं ना, वो सारे प्रिंटेड है। देखो, जिस प्राइस में ये वॉच आती है उस तक आपको थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का डायल मिलना चाहिए था। लेकिन चूंकि टाइटन है ना, इसके मशीन्स और बैटरीज में ना वो आपको क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि आपको ड्यूरिंग द पीरियड जितना आप इस वॉच को यूज करोगे उस टाइम आपको पता चलेगा। आवर आयरन्स भी आपको सिंपल से देखने को मिलते हैं। टाइटन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल एक बहुत ज्यादा क्लीन वॉच है। मैं अपना वॉच खोल देता हूं, क्योंकि एक एप्पल वॉच, अपने नोटिफिकेशंस और कैलोरीज ये सारे काउंट करता हूं उस पे। लेकिन डेफिनेटली वो सारे वॉचेस ना इन वॉचेस की जगह कभी नहीं ले सकते। जस्ट लुक एट दिस, कितना ज्यादा क्लीन लुकिंग वॉच है। अब ये मेरे इस वाले आउटफिट पे नहीं जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली आप अपने डेली लाइफ में, अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, ऑफिस में हो, जहां पर भी आप इस वॉच को किसी भी आउटफिट के साथ पेयर करोगे ना, डेफिनेटली वो अच्छा लगने वाला है। चाहे कुर्ता ही क्यों ना पहनो, शर्ट ही क्यों ना पहनो, या ब्लेजर ही क्यों ना पहनो, टाइटन है। और ये वॉच आपको महज 1800 रुपए के आसपास या उसके भी अंदर में मिल सकती है। नेक्स्ट जो वॉच है वो वॉच नहीं बल्कि एक स्कैम है जो कि हुआ है अपने साथ। हम ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाते हैं और हमारे साथ भी बहुत सारे धोखाधड़ी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक नावी स्पोर्ट करके ना एक कंपनी है वॉच की, जिसके अंदर हमने वॉच मंगाया, लेकिन वॉच के डब्बे के अंदर भाई वॉच ही नहीं निकला और हम वॉच ही करते रह गए कि हमारा वॉच कहाँ गया। हालांकि ये सारे वॉचेस ना मैंने अमेजोन से मंगाए, और अमेजोन की सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है, उनका सीधा सा पॉलिसी है कस्टमर फर्स्ट। वो सेलर को नहीं दिखेगा, प्रॉपर मुझे पैसा रिफंड मिल रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो होने वाला भाई अगेन धमाल बवाल। फर्स्ट स्ट्राइक का आपको मैं वॉच दिखाने वाला हूँ। बहुत खूबसूरत आपको तीन का बॉक्स देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई 2495 रुपए आपको पे नहीं करना मेरे बेबी। लेट्स अनबॉक्स दिस। और इस बार भी ये आपको एक बहुत क्लीन वॉच ही मिलेगा, एक वारंटी कार्ड। यार जादू करते यार, इतने सिंपल डिजाइन के साथ भी वॉचेस को खूबसूरत बनाया जा सकता है, ये कोई इनसे सीखे। ऑलराइट, यहाँ पर भी आपको ड्यूअल टोन में इसका स्ट्रैप देखने को मिलेगा। ऊपर का जो कलर है ना, थोड़ा सा मैट ब्लू टोन में है, बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। अंदर की तरफ आपको बेज कलर देखने को मिल जाएगा। बाकी अगेन यहाँ पर जेन्युइन लेदर तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं अगर स्ट्रैप को छू ना तो टाइटन से थोड़ा सा फीका लगता है। हालांकि क्वालिटी इसकी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। बगल में आपको फर्स्ट ट्राई की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अंदर की तरफ आपको एक और स्टेनलेस स्टील का प्लेट मिलेगा जहां पर फर्स्ट ट्राई की ब्रांडिंग मिलेगी। एसएस बैक लिखा हुआ, यानी स्टेनलेस स्टील बैक। बाकी ये भी पानी 50 मीटर तक सहलेगा। मेनली अगर इसके केस की बात करें, यहां पर भी आपको ग्लॉसी स्टेनलेस स्टील का केस देखने को मिलता है। सिंपल सा आपको क्राउन देखने को मिल जाएगा। इसमें थोड़ी सी ग्रिप की कमी है, लेकिन फर्स्ट ट्राई की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर इसके डायल को देखोगे ना, ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि फ्लैट व्हाइट कलर का यहां पर डायल दिया गया है। लेकिन अगर इसे साइड से देखोगे ना, तो इसका जो डायल है वो डोम शेप में बनाया गया है। बहुत ज्यादा यूनिक डिजाइनिंग है। और आवर मार्कर्स भी जितने हैं ना, वो पूरे इम्बोज्ड हैं, उठे उठे हैं, या बीरोल के थ्रू क्लियरली देख पा रहे होगे। आवर हैंड्स भी काफी क्लीन है। फास्ट ट्रैक की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। पूरे डायल में कहीं पे भी ना आपको कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसके कारण बहुत क्लीन लगता है। लेट्स वेयर दिस, और उसके बाद भी हम बात करते हैं इस वॉच के लिए। देखो, वही सेम कमेंट जाएगी कि इनकी डिजाइन ऐसी है ना, आप गलत हो ही नहीं सकते। इतना ज्यादा क्लीन, एलिगेंट, सिंपल, जेंटल मैन वाला आपको लुक देता है। बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फास्ट ट्रैक जैसा ब्रांड है और प्राइसिंग 1500-1600 रुपए के आसपास की है, जो कि टोटली वर्थ इट है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई सेल्वी के दो वॉचेस। लेकिन इन वॉचेस को देखने से पहले मैं आपको ये वाला सेल्वी का बॉक्स दिखाने वाला हूं, वॉच दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत पहले मैंने आपको दिखाया था। बहुत ज्यादा खूबसूरत वॉच है और इस वॉच का नाम है रिग 101। इस वॉच की जो क्वालिटी है ना, प्राइस वाइज बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन इसमें एक छोटी सी क्या प्रॉब्लम थी जो मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था, यहां पर जो कांटा है
ना जो कि संडे मंडे वेडनेसडे पूरा बताता है वो बस दिखने वाला था, काम नहीं करता था। ये हमने कंप्लेन की थी। अच्छी बात क्या है कि कंपनी ने सुनकर इसे अपडेट कर दिया है। फटाफट निकालते हैं वो दोनों अपडेटेड मॉडल्स को, हम देखते हैं। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस बोथ वॉचेस। दोनों में आपको सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। मेनली केस में यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। एक में आपको थोड़ा रोज गोल्ड कलर देखने को मिलेगा और ऊपर में इसका ब्लैक कलर का इसका क्राउन है और उसमें थोड़े से ना बोल्ट टाइप के पैटर्न बनाए गए हैं सिल्वर कलर के। भाई दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ये पूरा हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ ट्रांसपेरेंट टाइप का केस लगता है। ये भाई मेरा पर्सनल फेवरेट वॉच है। सिलिकॉन स्ट्रैप आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का। बैक में आपको स्टेनलेस स्टील का प्लेट देखने को मिलता है। साइड साइड में आपको चार बटन देखने को मिल जाएंगे। ये वॉच हाइब्रिड वॉच है, इट मींस यहाँ पर आपको एनालॉग वॉच का भी फंक्शन और डिजिटल वॉच का फंक्शन दोनों एक साथ मिलता है। साथ ही इस बार अच्छी बात क्या है कि कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है ना जो वर्क ना करे, यानी ये संडे मंडे ट्यूजडे वाला जो कांटा है वो भी प्रॉपरली वर्क करता है। साथ ही अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका क्राउन कहाँ है, कैसे हम टाइम सेट करेंगे, इसमें एक अच्छा फंक्शन क्या है पता है, इसके डिजिटल मीटर में आप जाकर अगर टाइम जोन सेलेक्ट कर लोगे ना, वो टाइम जोन के हिसाब से ना इसका कांटा ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। थोड़ा सा पार्टी वेयर या थोड़ा रिच गोल्ड गोल्ड जैसा लुक चाहिए ना, डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। लेकिन मोर लाइक अगर आपको थोड़ा कैजुअल लुक चाहिए ना, थोड़ा सा लाइट लुक चाहिए, तो ये तो भाई मेरा पर्सनल फेवरेट है। जाना चाहो इसके लिए भी जा सकते हो। ये वॉच आपको अराउंड 1500 रुपए के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। डेफिनेटली एक तगड़ी डील है। वैसे अगर डील की बात करें तो अगर आप हमें अब तक टेलीग्राम में फॉलो नहीं करते ना, मेक श्योर के जाकर फॉलो करो। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर जितने भी सेल्स डील चल रहे होते हैं ना, वहाँ पर हम उन सारे डील्स की अपडेट देते हैं। बहुत सारे पैसा बचा पाओगे। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, ये जो वॉच है ना गाइस, ये है वो थंबनेल वाला वॉच और इस वॉच को देखकर आपका दिमाग एकदम फ्रीज होने वाला है। ब्रांड का नाम है स्किमी, एक चाइनीज ब्रांड, लेकिन जो लुक है ना इस वॉच की वो आपको बहुत पसंद आएगी। प्राइसिंग यहाँ पर 3,940 रुपए इतना आपको पे नहीं करना, डोंट वरी। पूरा स्टेनलेस स्टील का आपको स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। ड्यूअल फिनिशिंग में है, ग्लॉसी एंड मैट बीच में आपको देखने को मिलता है। बहुत खूबसूरत आपको क्लोजर देखने को मिल जाएगा। क्लोजर पे आपको कोई ब्रांडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन इनर साइड में आपको स्टेनलेस स्टील का बैक मिलता है जहां पर आपको एक QR मिल जाएगा फॉर द ऑथेंटिकेशन। मेनली अगर इसके केस की बात करें ना, जो एक्चुअल इसका खूबसूरत पार्ट है, पूरा केस आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ग्लॉसी है और नॉर्मल आपको क्राउन देखने को मिल जाएगा जहां पर आपको कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती। अगर आप इसके डायल को क्लोजली देखोगे ना, तो यहां पर आपको एक मूव होता हुआ पार्ट देखने को मिलेगा जिसके ऊपर में आपको आवर हैंड्स देखने को मिल जाएंगे। इस डायल की जो डिजाइनिंग है ना, एग्जैक्टली एक स्पोर्ट कार के व्हील जैसी की गई है। यहाँ पर अंदर में आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेगा। रेड कलर का कैलिपर भी यहाँ पर लगा हुआ है जिसके ऊपर स्किमी की ब्रांडिंग की गई है। और ये जो मूवमेंट वाला पार्ट है ना, उसे डिजाइन किया गया है एक अलॉय व्हील के जैसा। बहुत ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन बस छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कोई आपको आवर मार्कर्स देखने को नहीं मिलते। टाइम को बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन लुक भाई खतरनाक है। एक इंटरेस्टिंग नई सी कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस। अभी थोड़ा सा मुझे लूज आ रहा है, लेकिन ओवरऑल ना वॉच बहुत ज्यादा खूबसूरत एंड यूनिक लग रहा है। लोग देखेंगे, डेफिनेटली आपसे पूछेंगे ये कौन सा वॉच है, कहां से लिया। ये वॉच भाई महज आपको 1700 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। अमेजोन पे कैसी डील चल रही है वो आप देख लेना। नेक्स्ट वॉच हम देख रहे हैं भाई, एक बहुत खूबसूरत सा V2A का वॉच, बड़ा बड़े से निकालते हैं। इनकी पैकेजिंग ना कभी इंप्रूव नहीं होती है। जस्ट लुक एट दिस, फाइनली एक ऐसा डिजिटल वॉच जो जीशॉक जैसा नहीं दिखता है। सिलिकॉन का आपको स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। इनका स्ट्रैप देखो कितना स्मार्टली डिजाइन है, पूरा सिलिकॉन का है, लेकिन ऊपर में ऐसा इन्होंने एक पैच लगा दिया, ऐसा लगता है कि ये एक लेदर स्ट्रैप है। बाकी ब्राउन कलर में बहुत खूबसूरत लग रहा है। साइड साइड में आपको चार बटन देखने को मिल जाएंगे जो कि वेल फंक्शनल है। अंदर के पूरे डिजिटल फंक्शन को पूरा कंट्रोल करने के लिए एक से आपको लाइट जलते हुए दिखेगी। हालांकि जो लाइट की क्वालिटी है ना, वो एक वे से आती है, मतलब एक साइड में बत्ती है जो जलती है, थोड़ा सा चीप लगता है। लेकिन ओवरऑल जो इसका लुक है ना वॉच का, बहुत ज्यादा खूबसूरत एंड प्रीमियम लगता है। लिटरली अगर पहनने के भी एक्सपीरियंस को बताऊं ना, तो कहीं से भी ना मुझे वो चीप जैसी फीलिंग इस वॉच से नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा क्लीन स्टैंडर्ड लुक है इसका। कहीं भी ना आपको ताम झाम झूठ मूठ की ब्रांडिंग यहाँ वहाँ लिखा वोखा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको एक डिजिटल वॉच चाहिए जिसमें लुक हो बहुत ज्यादा एलिगेंट, नॉट लाइक अ जीशॉक, आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट वॉच आ रहा है हमारा अगेन स्किमी की तरफ से। देखो हर चैनल की ना एक खास बात होती है, मेरे चैनल को मैं बस इस वे में बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको बेस्ट एंड ऑनेस्ट रिव्यू मिले ऑल द टाइम जब तक ये चैनल है। और उस पे ना भाई हम डेली मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते इस एफर्ट को। भाई ये बहुत रेयर एफर्ट है जिसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर वॉच को देखिए, यहाँ पर आपको सिलिकॉन का स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। सिलिकॉन की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अंदर में आपको ना थोड़े से ग्रूव्स देखने को मिलेंगे जो कि ग्रिपनेस में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। बैक की तरफ आपको स्टेनलेस स्टील का कैप देखने को मिलता है। अब ये कितना स्टेनलेस स्टील है ना, इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे हमेशा से रहती है। आउटर साइड में देखेंगे तो इसका जो केस है वो मैट फिनिश में है, हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, साथ ही बहुत ज्यादा क्लीन लुक देता है। इस तरह से इसके बटन्स को डिजाइन किया गया है, देखकर ऐसा लगता है ना कि ये बटन फेक है, दबेगा नहीं, बहुत अच्छे से बनाया गया है। और बीच में आपको इसका डिजिटल फंक्शन देखने को मिलता है। हालांकि बस छोटी सी मुझे
प्रॉब्लम क्या लगी कि इसका जो डिजिटल डाइल है ना थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम देता है, बाकी लुक बहुत ज्यादा क्लीन है। 1000 रुपए इसकी प्राइस है और ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये अगर 500 रुपए में बिक रही होती ना, 500 से 600 रुपए में, तो बेस्ट होता। मेरे हिसाब से प्राइस थोड़ी सी महंगी है, और महंगे है ये सच्चे वर्ड जो कि आपको मिलते हैं सिर्फ इस चैनल में। वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर कि लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय। जय हिंद। पेश। बूम।